governor says no, I think I have it and constitutive motion is adopted. Rule suspend kiya hai, rule 5 suspend hua hai. Ek ghante se upar hai, ek ghanta 20 minute ke baad ijlas hua hai. एक मिनट मिस्टर साहब, एक घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है। वो एक गिनती वाला रूल हमने हाउस ने सस्पेंड किया है रूल 5 के तहत। सादिक साहब आप बता दीजिए प्लीज। सादिक साहब, अगर हम कानून कायदे से नहीं चलेंगे, अगर हम हर चीज को बुलडोज करेंगे, अगर हम हर चीज को कवानीन के मुतसादम करेंगे, तो फिर हमें यहाँ बैठने, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कल कोलीग से मेरा दिल नहीं चाहता यहाँ आके बैठने। कोरम की निशानदही पर कौमी असेंबली में शोर शराबा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तू तू मैं मैं। ख्वाजा आसिफ ने इजलास गैर आइनी करार दे दिया, आपने रूल्स को मुअत्तल किया, आइन ही मुअत्तल कर दें। अयाज सादिक की तनकीद, किसी की ख्वाहिश नहीं रूल्स पर ऐवान चलना चाहिए, बाबर आवान। सेनेट से इंसदादे दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल भी मुस्तरद, हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए। ऐवान बाला का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अहम कानून साजी के लिए अहम इकदाम, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 1 घंटे बाद। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दूसरा तरमीमी बिल, दारुल खिलाफा वक्त इमलाक बिल पेश किए जाएंगे। अपोजिशन की जानिब से भरपूर मुखालफत का प्लान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद। FATF से मुतालिक बिल्स की मंजूरी की हिकमत अमली पर बातचीत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का केस, लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में 31 सितंबर तक तौसी कर दी। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, इंशाल्लाह ये दौर जल्द खत्म हो जाएगा, ऑपोजिशन लीडर पर उम्मीद। फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा, लाहौर सियालकोट मोटरवे का झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश, शर्मनाक फेल। कम अकली और बेसरोपा बयान से कायदे हिजब इख्तलाफ ने कौम को मायूस किया, वजीर इत्तलात पंजाब की तनकीद। ज्यादती केसेस पर वजीर आजम की सख्त सजाओं का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत, जिनसी दरिंदों को निशाने इबरत बनाएंगे। शहबाज शरीफ की माजरत काफी नहीं, अपोजिशन लीडर अपने बयान पर मुस्ताफी हों, सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया टॉक। मोटरवे खातून ज्यादती केस, पुलिस का पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो चुका, लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, मामले पर गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। आईजी पंजाब समेत सीनियर अफसरों को हर जिले में रोजाना रात को 2 घंटे गश्त करने का हुक्म। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस 8वें रोज भी मरकजी मुलजिम आबिद गिरफ्त में ना आ सका, सीटीडी को गिरफ्तारी का टास्क मिल गया, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। मुलजिम के 9 रिश्तेदार अब तक जेरे हिरासत, वकार के बरादर निस्पति अब्बास को छोड़ दिया गया। खातून ज्यादती केस, वकार की रिहाई का फैसला डीएनए रिपोर्ट आने के बाद होगा, गिरफ्तार मुलजिम शफकत से जेल में तफ्तीश जारी। मुतासर खातून का बयान भी ताहाल रिकॉर्ड ना हो सका, राबता नंबर्स बंद। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की एराजी पर पुलिस के कब्जे का केस, आईजी पंजाब की लाहौर हाईकोर्ट तलबी, क्या पुलिस इस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गया? सोसाइटी को जिंदा रखना है तो बड़े अफसरों को माफ करना छोड़ दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क। हुकूमत के मंसूबों को बंद नहीं किया, अवामी मसाइल को हल करना तरजीह है, हुकूमत नारों पर नहीं अमली इकदामात पर यकीन रखती है, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की विहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू।
मरियम नवाज को एफबीआर की जानिब से मिलने वाले नोटिसेज मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट का फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को आइंदा समात पर जवाब जमा कराने का हुक्म। कानून के मुताबिक सारे टैक्सेस अदा कर रही हूँ, लीगी रहनुमा का मौकफ। मरियम नवाज की नैब ऑफिस में पेशी पर हंगामा आराई का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त जमानत 22 सितंबर तक मंजूर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात की तैयारी। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर। नजरियाती काबिल और वफादार कारकुनों को पार्टी टिकट जारी करने पर इत्तफाक। सिंध कोऑर्डिनेशन कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी, NDMA, कोर 5 और विफाक के नुमाइंदे भी शामिल। कमेटी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेगी। पंजाब हुकूमत का एक और मिसाली इकदाम। लाहौर मेट्रो को चलाने का टेंडर 20% कम पैसों पर देने का एजाज। कौमी खजाने को 3 अरब से जायद का फायदा। ये हमारी हुकूमत की शफाफ और मेरिट पर मबनी पॉलिसियों का फल है, उस्मान बुजदार का ट्वीट। हिंदुस्तान का जो बेसिक टेक्स्ट है उसमें यही था कि ये नक्शा जो है मैं कबूल नहीं वगैरह, और हमने जो जवाब दिया उसमें एक तो हमने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया इंडिया की ये बात कि ये जो मैप है पाकिस्तान का, ये कोई भी इंडियन टेरिटरी क्लेम करता है ना। कश्मीर कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था ना कभी बनेगा। दूसरी बात हमने ये वाजे की कि पाकिस्तान का नक्शा अक्वामे मुत्तहदा की रेजोल्यूशंस और कश्मीरी आवाम की उमंगों की अकासी करता है। 11 सितंबर को भारत ने रूस से नए नक्शे पर एतराज किया। तहरीरी जवाब में मॉस्को ने पाकिस्तान के मौकिफ की भरपूर तायीद की। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में किसी ने भारत का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता, मुआवने खुसूसी मोईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग। पाक अफगान बॉर्डर पर बादीनी ट्रेड टर्मिनल गेटवे का इफ्तिताह। मसाइल नारों से नहीं अमली इकदामात से हल होते हैं। माजी में वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल होता तो आज सूबे की सूरत हाल बहुत बेहतर होती। वजीर आला जाम कमाल का तकरीब से खिताब। कोरोना से 4 अफराद जान बहक, अब तक 6,393 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,03,089 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 665 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 5,936 रह गई। पेशावर और नौशहरा के सरकारी स्कूल्स में 15 असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक हो गई। 2 मुलाजिम भी वायरस का शिकार। मुतासरा टीचर्स से कोई तालबे इल्म नहीं मिला। 2 बार टेस्ट किए जाएंगे। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा। सईद गनी का कराची में मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूल्स का दौरा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा। हिफाजती इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। बगैर मास्क कोई तालिब इल्म, उस्ताद या गैर तदरीसी अमला ना हो, वजीर तालीम सिंध। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद आयशा नाज। और मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि कौमी असेंबली इजलास में कोरम के मामले पर नोक झोंक हुई। ख्वाजा आसिफ भी खूब गर्जे बरसे, इजलास को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया। अयाज सादिक ने स्पीकर से कहा कि आप रूल्स को मुअत्तल कर रहे हैं, फिर आइन को ही मुअत्तल कर दें। अली मोहम्मद खान ने कहा कि कोरम का रूल हमने नहीं बनाया। ईवान की कार्रवाई चलाने के लिए 50,000 मरतबा रूल्स मुअत्तल हुए। हम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देंगे इस इजलास को। रूल सस्पेंड किया है, रूल 5 सस्पेंड हुआ है। 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है।
एक मिनट मुश्ताक साहब, एक घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है। वो एक घंटे वाला रूल हमने हाउस ने सस्पेंड किया है, रूल 5 के तहत वो सस्पेंड हो गया। आपको गलत एडवाइस किया जा रहा है, ये गैर कानूनी इजलास गैर आईनी इजलास है। आया सादिक साहब प्लीज। स्पीकर साहब, मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूँ, 11:05 के ऊपर कोरम पॉइंट आउट हुआ था। एक रवायत भी होती है और एक रूल्स भी होते हैं। आपने उस रूल को सस्पेंड किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फिर सस्पेंड कर दें। अगर हम हर चीज को बुलडोज करेंगे, अगर हम हर चीज को कवानीन के मुतसादम करेंगे, तो फिर हमें यहाँ बैठने, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कल कोलीग से कह रहा था मेरा दिल नहीं चाहता यहाँ आके बैठते। वो एक डिफिकल्टी अराइज हुई 288 के तहत, हमने वो रूल सस्पेंड किया, और ये कोई नहीं, ये कोई 50,000 बार रूल सस्पेंड हुए हैं, हमारे फॉर्मर स्पीकर साहब ने भी किए हैं, हम भी करते हैं एक बिजनेस चलाने के लिए, और ये रूल 288 हमने इसमें नहीं डाला। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा कि किसी की ख्वाहिश पर नहीं, रूल्स पर ऐवान चलना चाहिए। किसी रूल्स के खिलाफ वर्जी नहीं की, ख्वाजा आसिफ जरूर अदालत में जाएं, मगर उनको भी साथ लेकर जाएं जिन्हें अदालतें बुला रही हैं।